नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, तो कोशिश करूँगा अभी से रेगुलर आप लोगों के टच में रह सकूँ। दोस्तों, अगर आप होम थिएटर लेने की सोच रहे हैं, या एक छोटा सा रूम हो या मीडियम साइज़ का रूम हो जिसमें आप एक अच्छा साउंड सिस्टम लेने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो अनबॉक्सिंग नहीं है। मैंने पहले इसको यूज़ किया है एक हफ्ते तक, उसके बाद मैं इसका रिव्यू के तौर पे ये वीडियो लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस रिव्यू से आपको हेल्प होगी अपने चॉइस को फाइनल करने में। तो आइए चलते हैं मेरे आज के इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज मैं जिस साउंड सिस्टम के रिव्यू करने जा रहा हूँ वो क्रिएटिव का है, SBS E2400 मॉडल है और इसका 2.1 स्पीकर है दोस्तों वर्ज़न जो है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये अनबॉक्सिंग नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये क्रिएटिव का 2400 मॉडल जो है लेते हैं साउंड सिस्टम, तो ये इसका ये आपको ये मशीन है। इसके साथ दो स्पीकर्स हैं, साथ में ये आपको केबल मिलेगा। इसमें आप टीवी या डिश कनेक्ट कर सकते हैं और ये रिमोट मिलेगा आपको। और आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूएसबी के लिए जगह दी हुई है। इसमें आप पेन ड्राइव या एसडी कार्ड कनेक्ट करके आप गाना सुन सकते हैं, या आप इसको चाहें तो मेल टू मेल जो कन्वर्ट 3mm का जैक होता है उससे आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो मॉडल लिया है इसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो इसका ब्लूटूथ वर्जन भी मिलता है, बट मेरे ख्याल से वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप कम बजट में और मीडियम बजट में लेना चाहते हैं तो ब्लूटूथ के कारण जो है आपका बजट बढ़ जाता है। तो उसके बदले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में ब्लूटूथ का वो छोटा सा डिवाइस मिलता है 100-150 रुपये में, अमेज़न पे भी मिल जाएगा आपको या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट है उन पे, तो वहाँ से आप इजीली वो लेके और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब इसके प्राइस और फीचर्स, इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। दोस्तों, मैंने इसको एक हफ्ते तक अभी यूज़ किया है और मैं बता सकता हूँ कि जो मीडियम रेंज में अगर आप ये लेते हो स्पीकर, तो इसके वर्जन पे 2.1 पे मत जाइए आप। इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। जी हाँ, क्रिएटिव का मैंने पहले भी सुना था और मेरा एक फ्रेंड यूज़ भी कर रहा था, उसी ने रिकमेंड किया था मुझे। उसके बाद मैंने इसको लिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। इसका प्राइस मैं बता दूँ, मैंने इसको अमेज़न से लिया है, 2600 ऑलमोस्ट इसका प्राइस आपको अभी है अमेज़न पे, थोड़ा सा कम है। तो इस प्राइस रेंज में मैं कहूँगा कि आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। और इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो ऑलमोस्ट 5000 के लगभग है, 4800, तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैंने वो नहीं लिया, तो मैंने ये वाला ले लिया। तो आप, मैं भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लेना चाहें तो बेशक आप ले सकते हैं 5000 दे के वो, और शायद उसकी साउंड क्वालिटी भी इससे बेहतर होगी थोड़ी। लेकिन सिर्फ ब्लूटूथ के लिए अगर आप वो लेना चाहें तो वो ज़रूरी नहीं समझता मैं, कि आप इससे भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो बेस की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और वॉल्यूम काफ़ी सही है दोस्तों इसकी। और मैंने इसको अपने टीवी से भी कनेक्ट किया है, टीवी में भी इसका साउंड काफ़ी अच्छा आता है, और मोबाइल ब्लूटूथ से भी मैंने यूज़ करके इसको देखा है, और यूएसबी कार्ड यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव से भी इसको यूज़ किया हुआ है। तो हर तरह से मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि आप अगर ये लेना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। यहाँ आपके फ़ीचर्स इसमें लिखे हुए हैं, 6 वाट RMS पर चैनल, 2 चैनल्स हैं, 13 वाट RMS सब वूफर, टोटल 25 वाट्स। फ्रीक्वेंसी देखिए इसकी दी हुई है 45 हर्ट्ज़ से 20 kHz, और इसमें USB थंब ड्राइव टू प्लेबैक योर MP3 ऑडियो फाइल्स, 32GB मैक्सिमम तक ये सपोर्ट करेगा। 32GB बहुत है दोस्तों, आप चाहें तो आराम से 16GB या 32GB यूज़ कीजिए। इसमें जो है एक्सेप्ट RCA 3.5mm स्टीरियो आउटपुट फ्रॉम योर TV, DVD प्लेयर, कंप्यूटर एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑडियो डिवाइसेस।
तो आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें FM भी है, आप चाहें तो इसमें FM भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका केबल जो है एंटीना के काम करता है FM का, तो आप चाहें तो FM के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने बस बताया आपको, बाकी चॉइस आपकी है। मैंने यूज़ किया इसको, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप ये लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप दुखी नहीं होंगे और सेटिस्फाई ही होंगे। और मैं इसका कोई एफिलेटेड मार्केटिंग भी नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका लिंक भी नहीं दिया हुआ है नीचे। तो आप चाहें तो इसे अमेज़न में सर्च करके ख़रीद सकते हैं अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रिएटिव के SBS E2400 मॉडल के बारे में बताया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ हेल्प हुई होगी आपके चॉइस फाइनल करने में। तो दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।